अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मरी। सो हमारा प्लान ये है कि हम लोग लाहौर से आज इस्लामाबाद जा रहे हैं एंड नेक्स्ट डे वी विल गो टू मरी। वहाँ भी हमारा स्टे होगा और वहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट डे नथिया गली और गलियात वगैरह फिर कर तो वापस मरी आएंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे एंड देन वी विल ट्रेवल बैक टू लाहौर। सो अब इस ट्रिप के लिए मैं बहुत अच्छे से एक्साइटेड था और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि आई वॉन्टेड टू गो ऑन दिस ट्रिप इन माई सिविक रीबॉर्न। मैं सिविक रीबॉर्न में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अभी तक मैं सिविक रीबॉर्न जो है वो हिली एरियाज में नहीं लेके गया। सो आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट्स परफॉर्मेंस आउट देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो सिविक रीबॉर्न है उसका जो सस्पेंशन है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उसे हिली एरियाज में लेके जाया जाए, उसका काम होने वाला है और साथ ही साथ जो उसके दोनों एक्सेल हैं गाड़ी के वो भी रिपेयर होने वाले हैं। सो द कार नीड्स सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास थी क्योंकि फैमिली ने ट्रिप पे जाना था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि सेकेंड जो बेस्ट गाड़ी हमारे घर में इस वक्त राइट नाउ वो है टोयोटा बेल्टा। जो ग्रैंडे थी वो भी हमारी ऑक्यूपाइड थी, उसमें भी हम नहीं जा सकते थे। सो इंशाल्लाह हम ये जो ट्रिप है ये बेल्टा में करेंगे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं इस चैनल के उन्हें पता होगा मैं बेल्टा में ही कुछ अर्सा पहले, आई थिंक 2 मंथ्स पहले मैं बेल्टा में पिशावर का ट्रिप जो है वो भी कर आया हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस चैनल पर मौजूद है। उसके अंदर मेन फोकस था गाड़ी की फ्यूल एवरेज टेस्ट करने का, क्योंकि ये हमारी सेकंड बेल्टा थी और हमने अभी तक इसकी फ्यूल एवरेज टेस्ट नहीं की थी कि ये लॉन्ग रूट पे कैसी परफॉर्मेंस देती है। सो फ्यूल एवरेज तो हमने इसकी निकाल ली थी उस टूर में पिशावर की, लेकिन अब हम इसे लेके जा रहे हैं हिली एरियाज़ में। जैसा कि आपको पता है जो इस्लामाबाद से मरी का जो सफ़र है वो एक्सप्रेस मोटरवे पे होता है, वो अपहिल उसकी ड्राइव होती है, तो वहाँ पे गाड़ी का थोड़ा जो जोर रहता है वो ज़्यादा लग रहा होता है। सो वहाँ पे हम देखेंगे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, अंडर पावर तो फील नहीं कराती, हम लोग 4-4.5 लोग हैं गाड़ी के अंदर, तो हम ये देखेंगे लगेज भी हमारा गाड़ी अंडर पावर फील कराती है कि नहीं कराती, और उसके बाद हम देखेंगे गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो कैसी है हमारी। वैसे एक्सपेक्टेशन तो मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज़ अ फैमिली कार, प्योरली फैमिली कार। सो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिशावर का हमारा सफ़र था हम उसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थे गाड़ी की कंफर्ट से, कंफर्ट हमारा इस गाड़ी का बहुत आउट क्लास रहा था। सो वो इंशाल्लाह उसे भी हम देखेंगे कि लॉन्ग टूर पे कैसा रहता है और हम देखेंगे कि फ्यूल एवरेज ये हिली एरियाज़ पे हमें कैसी देती है। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी के अंदर जो टैंक है वो फुल करा लिया है, 29 लीटर्स जो है गाड़ी के अंदर पेट्रोल डल है, पहले 2 पॉइंट्स थे। सो गाड़ी के मैंने जो मीटर है वो भी रीसेट करा दी है और मैंने जो टायर प्रेशर है वो भी चेक करा दी गाड़ी की, तो ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये हमने चेक कर लिए हुए हैं और इंशाल्लाह टैंक टू टैंक मेथड ही हम लोग फॉलो करेंगे। इसके अंदर जब भी टैंक हाफ होगा ना उससे कम होगा तो हम टैंक कम्प्लीटली रीफिल कराएंगे। सो मैं आपको इंटरवल्स जो होंगे वो अराउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स में इंटरवल देता रहूँगा कि गाड़ी के कितने पॉइंट्स सेल ड्रॉप हुए हैं और गाड़ी किस वक्त क्या परफॉर्मेंस चल रही है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं हूँ आपको उस्मान गनी, आप देख रहे हैं पिकनिक मोटर स्पोर्ट्स। सो गाइस, आई वांटेड टू गिव एन अपडेट, हमें अराउंड अबाउट हाफ एन आवर हो गया है M2 मोटरवे पर और फर्स्ट जो पॉइंट है हमारी गाड़ी का वो अब कहीं जाके ड्रॉप हुआ है। और आप जैसा कि देख सकते हैं अराउंड अबाउट गाड़ी जो है 88 किलोमीटर चली थी जब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो ड्रॉप हुआ, और मैंने कहा कि मैं आपको अपडेट भी मोस्टली तभी दूँ जहाँ हमारे पॉइंट ड्रॉप्स हो रहे हों, जहाँ हम किसी जगह जो है रेस्ट एरिया पे स्टे कर रहे हों। सो ये लॉन्ग रूट पे लास्ट टाइम भी जब हम पिशावर गए थे तो हमें इसने काफ़ी सरप्राइज़ किया था इस पॉइंट से कि शहर पे 50-60 किलोमीटर पे इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ड्रॉप हो जाता था मोस्टली, लेकिन लॉन्ग पे ये 80-90 किलोमीटर्स बाद जो है वो एक पॉइंट ड्रॉप कर रही होती थी, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है लॉन्ग पे वो काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज है लॉन्ग रूट पर। सो अभी हमारा इरादा जो फर्स्ट स्टॉप है करने का वो अराउंड अबाउट कलर कार के करीब है। सो
सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर जस्ट स्टॉप फॉर बिट ऑफ स्टे हेयर, और गाड़ी आप देख सकते हैं अराउंड अबाउट 232 किलोमीटर्स चल गई है, और तीन जो पॉइंट है गाड़ी के वो कम हो गए हैं. सो बड़ी अच्छी फिलहाल दिख रहा है, गाड़ी एवरेज दे रही है. और इस दफ़ा जो हमारा स्टे एरिया रुकने का मोटरवे पे, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है. यूजली हम लोग रुकते हैं बेरा वाले, मोस्टली हम बेरा के जो स्टे एरिया वहाँ रुकते हैं, जहाँ फिर कलकार की जो सॉल्ट रेंज है वो क्रॉस करके कलकार का जो है उधर रुकते हैं. लेकिन दिस टाइम अराउंड हमने इनका जो एक न्यू स्टे एरिया बना था कलकार की सॉल्ट रेंज शुरू होने से पहले, उस वाले स्टे एरिया में हम रुके हैं. बड़ा खूबसूरत छोटा सा इन्होंने स्टे एरिया बनाया हुआ है, यहाँ इसका व्यू भी कराता हूँ. सो यहाँ हम लोग अभी चाय पियेंगे, गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और फिर हम सॉल्ट रेंज में एंटर हो जाएंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग कलकार क्रॉस कर रहे हैं सॉल्ट रेंज जो है. और लास्ट टाइम भी मैंने अपना यही ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में दिया था कि अगर आप बेल्टा लेना चाह रहे हैं सो यू मस्ट गो फॉर 1300 सीसी वेरिएंट. इसका जो 1000 सीसी वेरिएंट है वो शहर के अंदर चलाने के लिए तो बिल्कुल सही है, आप इजीली एक पर्सन जो है वो कम्यूट कर सकता है. लेकिन अगर आप फैमिली के साथ चार पाँच लोग इस गाड़ी में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली हिली एरियाज़ में या लॉन्ग टूर पर, तो फिर वो गाड़ी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आपको हिली एरियाज़ में जाना पड़ता है. अभी यहाँ पे मैंने गाड़ी का एस मोड ऑन किया हुआ है, और मुझे कहीं भी फील नहीं हो रहा कि मेरी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड हो रही है, जब मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी का जोर लगाना पड़ रहा है, रेस ज़्यादा देनी पड़ रही है. गाड़ी बिल्कुल ईजिली और कम्फर्टेबली जो है वो चढ़ाई जो है वो चढ़ रही है. सो ओवरऑल इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है 1300 सीसी वेरियंट की, वो तो परफेक्टली एडिक्वेट है, ना स्लो है ना फास्ट है. जहाँ तक हैंडलिंग की बात है तो बिल्कुल ऑन एवरेज है, यानी जो एक आप एक सेडान से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार मुझे एक ऐसी हैंडलिंग दे जो इसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा बॉडी रोल भी ना कर रही हो और बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिफ भी ना हो. सो इट्स इन बिटवीन दैट. टोयोटा करेक्टरिस्टिक इसकी बिल्कुल ड्राइविंग स्टाइल है इस गाड़ी का. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमें 2.5 घंटे हो गए हैं गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, हम अराउंड अबाउट 4 घंटे हो गए हमें इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हुए, ठीक है. एंड वी आर नॉट दैट मच टायर्ड टू बी ऑनेस्ट, और यही इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसके अंदर आप जितना भी ट्रैवल कर लें आप जल्दी टायर्ड नहीं होते. सो अभी अब इंशाल्लाह हम लोग जब इस्लामाबाद पहुंचने लगेंगे तब मैं आपको अपडेट दूंगा. अगर फ्यूल की हम अपडेट इस वक्त दे दें तो 3 पॉइंट जो वो कम हुए हैं फ्यूल के, और मुझे उम्मीद है कि सॉल्ट रेंज क्रॉस करने के बाद शायद इसका 1 पॉइंट जो ड्रॉप हो जाए. सो जो पेट्रोल रीफिलिंग होगी वो इंशाल्लाह कल हम कराएंगे इस्लामाबाद से जब हम मरी के लिए निकलेंगे. सो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग हमजा कैंप पहुंच गए हैं. बेसिकली ये 0 पॉइंट वाला जो एरिया है उधर ये कैंप है. सो अभी थोड़ा सा हमारा सफ़र जो है वो लंबा इसलिए हो गया था कि हमने कुछ बेकरी पे जाना था, वो बेकरी IAT मरकज़ में थी, तो हम लोग बेसिकली रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान घूम रहे थे. सो उसमें हमें थोड़ा सा आधा पौना घंटा लग गया. सो अब हम लोग पहुँच गए हैं अपने एरिया में रेस्ट करने के लिए. इंशाल्लाह कल जो है यहाँ से हम निकलेंगे मरी के लिए. और अभी जो है गाड़ी अराउंड आपने देखे 400 किलोमीटर हमारी चल गई है, 3 फ्यूल पॉइंट्स हैं इसके. सो सी यू गाइस टुमारो. The next morning. फुल इधर हवा का कितना हो है प्रेशर ना.
हाँ रख ले। सो व्यूअर्स, आफ्टर मैनी डिलेज फाइनली वी आर ऑन आवर वे टू मरी। सुबह थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, उसका आज जुमा था, उसके वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गए। सो अब हम लोग मरी रोड पे इस वक्त जो है वो जा रहे हैं हम लोग मरी की तरफ। तकरीबन 400 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो आई फील लाइक 30 लीटर तो तकरीबन पेट्रोल डलेगा ही गाड़ी में मेरे ख्याल से। लेट्स सी अब कितना डलते हैं। ऑटो पे थोड़ा सा पेट्रोल जो है गिर गया है, लेकिन टैंकी जो है बिल्कुल फुल हो गया। 26.77 का जो है पेट्रोल वो डला गाड़ी के अंदर अराउंड बोर्ड, ठीक हो गया। ओके भैया, गाड़ी के अंदर हमने टैंक फिल करा लिया। असलान ज़रा फ्यूल एफिशिएंसी निकालना गाड़ी की। गाड़ी चली है 405 किलोमीटर, 26.7 लीटर फ्यूल डला है। अच्छा, मैं उतने ज़रा गाड़ी यहाँ से निकाल लूँ। सो 405 डिवाइडेड बाय 26.7। अच्छा हुआ तुम अकाउंटिंग, इट्स ओके। माशाल्लाह। सो गाड़ी ने जो एवरेज मारी दी है वो 15.16 की दी है, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग के हम चार लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और लगेज भी था चार लोगों का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एवरेज, बड़ी अच्छी। हाँ, अब लेकिन जो असल एवरेज का पता चलेगा वो पता चलेगा इसका मरी के सफ़र पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो हिली एरिया में हमने गाड़ी चलानी है, अप हिल गाड़ी ने पहले सारा सफ़र जाना है, और उसके बाद जो आगे हमने गलियात वगैरह में फिरना है उसमें भी गाड़ी का जो हमारा है सफ़र वो अप हिल होगा। वापसी पे ऑन दी अदर हैंड गाड़ी जो है वो पेट्रोल उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि गाड़ी डाउनहिल में जा रही होगी और इंजन ब्रेकिंग पे मोस्टली जा रही होगी। सो मरी से वापस आके जो फ्यूल एवरेज निकलेगी वो इंटरेस्टिंग होगी कि गाड़ी ये तब कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइस, ये एक न्यू बाईपास है जो इन्होंने बनाया है, जो बेसिकली मरी रोड पे नीचे यूजली लोगों को रश मिलता था और काफ़ी टाइम लग जाता था एक्सप्रेस वे पहुँचते हुए। सो ये इन्होंने अब बाईपास का पीछे नाम लिखा था, मुझे नाम एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि ये बन गया हुआ है। इसकी वजह से अब टाइम बहुत बच जाता है मरी पहुँचने का। सो 42 किलोमीटर्स का सिर्फ अब सफ़र रह गया मरी का यहाँ से, और इस रोड की वजह से वो सफ़र जो है अब और छोटा हो जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। सो दोस्तों, इस वक्त हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, एंड द फर्स्ट कमेंट आई वांट टू मेक इज़ के आई एम रियली रियली एंड रियली मिसिंग माय सिविक रिबॉन राइट नाउ। मेरा बहुत दिल था अपनी सिविक के अंदर आने का और इस रोड पे उस गाड़ी को चलाने का। आई रियली वांटेड टू टेस्ट इट्स परफॉर्मेंस ना, लेकिन खैर देन अगेन फैमिली के साथ इस वक्त हम लोग आए हुए हैं, सो कितना ही आप गाड़ी को परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। सो स्पीड लिमिट को ही फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी को मैंने जहाँ चढ़ाई है और उतराई एस मोड पे रखा हुआ है। हाँ, जहाँ थोड़ी ज़्यादा उतराई आ जाती है, ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ गाड़ी को फिर मैं बी मोड में कर देता हूँ ताकि ब्रेकिंग गाड़ी की थोड़ी बेहतर हो जाए। अब इस गाड़ी के हवाले से अगर मैं आपको परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अंडर पावर बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रही। अगेन चार लोग हैं गाड़ी के अंदर, लगेज भी है, 80 की स्पीड पर स्मूथली गाड़ी जा सकती है। मैं वैसे 80 पे कम ही चला रहा हूँ इस वक्त। और जहाँ तक हैंडलिंग की बात है, हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे आके ना मुझे इस गाड़ी की वीकनेस का पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा गाड़ी जो है वो लैग कर रही है फास्ट कॉर्नरिंग में। अब इससे पहले हम यहाँ पे काफ़ी गाड़ी में आए हैं, ग्रैंडे में भी मैं आया हूँ, आर्टिस एसआर में भी मैं आया हुआ हूँ, और सिविक 2002-3 में भी आया हुआ हूँ। सो वो गाड़ी जो है वो हैंडलिंग में इतना ज़्यादा लैग नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार, एंड दिस वॉज ऑब्वियस। ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई बहुत ज़्यादा फास्ट कट्स मारने के लिए या बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नरिंग लेने के लिए। सो मैं इसे 60-80 के दरमियान ही मोस्टली इसके अंदर कॉर्नर्स ले रहा हूँ। अब जैसे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, बी मोड में मैंने गाड़ी को कर दी है, लेट मी ट्राई टू डू इट ऑन 60 की हद तक गाड़ी ठीक है, शार्प कॉर्नर हैंडल कर रही है, लेकिन अगेन लास्ट वीडियो की तरह मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा मेरे स्टेयरिंग व्हील से इस गाड़ी के अंदर। एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग व्हील है, और सेकेंडली
कोई फीडबैक नहीं दे रहा, देर इज नो वेट ऑन इट। मुझे नहीं पता गाड़ी के टायर इस वक्त क्या मूवमेंट कर रहे हैं, कितनी उनकी ग्रिप है, कितनी लूज कर रहे हैं। सो ये ड्राइवर से जो इंगेजमेंट होती है वो इस तरह के एरियाज में बड़ी मैटर करती है आपके लिए। सेकेंडली CVT ट्रांसमिशन है इसके अंदर, और ये ओल्ड जनरेशन CVT ट्रांसमिशन की है, तो RPM जो है वो बड़े एक ही जोन में रह रहे हैं। अगर मैं एस मोड में करूँ तो दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन 3000-3500, और अगर मैं बी मोड में कर देता हूँ 4000 के करीब चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ी जो इंजन नॉइज है वो कैबिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और यही वजह है कि मोस्टली जो CVT गियर बॉक्सेस फेल होते हैं वो इन्हीं एरियाज में फेल होते हैं जब आप उन्हें कॉन्स्टेंटली हाई रेविंग इंगेजमेंट में चला रहे थे। अब ये थोड़ा एक ज़्यादा शार्प कॉर्नर आया है, सो अब ये देखें आई कैन फील कि गाड़ी जो है वो एक तरफ से अराउंड अबाउट 60 के करीब जाके ट्रैक्शन चाह रही है कि मैं थोड़ी लूज करूँ, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, सो मैं इसे और पुश नहीं कर सकता ये सोचते हुए कि यार ट्रैक्शन कंट्रोल मेरी हेल्प कर देगा। अभी इस साल जब मैं मार्च में आया था तो मेरे पास टोयोटा प्रियस थी, और वो भी कोई इतनी हैंडलिंग क्वीन नहीं है, लेकिन मुझे उसके अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, मैं उस गाड़ी को ज़्यादा पुश भी कर पा रहा था, इजीली शार्प टर्न्स भी ले पा रहा था, और एक दो जगह जहाँ थोड़े से शार्प टर्न ज़्यादा हो गए थे तो वहाँ पे गाड़ी का जो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम है वो भी ऑन हो गया था। लेकिन इसके अंदर अगर आप फैमिली के साथ हैं तो देर इज़ नो नीड टू टेक रिस्क। वैसे तो स्पीड लिमिट इस वक्त 80 है, लेकिन मैं इजीली कंफर्टेबली गाड़ी को 60-80 के दरमियान चला रहा हूँ अंडर स्पीड लिमिट, ताकि मुझे अनकंफर्टेबल ना फील और मेरी फैमिली को भी ना हो। सो अगेन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो बेल्टा इज़ नॉट एन ड्राइवर्स इंगेजमेंट कार, जिसके अंदर आपको ज़रा भी ड्राइवर्स की जो इंगेजमेंट है वो फील हो, जहाँ आपको फील हो कि यार मैं इंजॉय कर रहा हूँ। एक तो टायर की जो इसके प्रोफाइल है वो भी 175 के टायर लगे हुए हैं, तो ग्रिप जाहिर बात है उन्होंने तो इतनी ज़्यादा नहीं देनी, और साथ ही साथ जो गाड़ी की सस्पेंशन और स्प्रिंग का सेटअप है वो भी मोस्टली कंफर्ट के लिए बना गया। हाँ, दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार, थोड़ा बाउंस कर रही है हमें, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रही। अभी एक और शार्प टर्न आ रहा है, यहाँ पर मैं गाड़ी को 60 से ऊपर टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दैट वाज कम्प्लीटली फाइन, एंड अगेन एक शार्प टर्न आ रहा है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स हियर। और मार्च या अप्रैल में फिर इस एरिया में आऊँ उस गाड़ी को पुश करने के लिए, और पूरा उस गाड़ी को परफॉर्मेंस टेस्ट उसका करने के लिए। ओके गाइस, सो अब हम लोग एक्सप्रेस हाईवे से उतर के तो मरी रोड एंटर हो गए, जो सीधा मरी को जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आके जैसे ही चढ़ाई आई है थोड़ी ज़्यादा, सो गाड़ियाँ थोड़ा सा जोर अब मुझे फील हुआ कि लेना शुरू कर दी है। एस मोड भी मैंने रखी हुई है बीच में, जब ज़्यादा थोड़ी चढ़ाई आती है तो बी मोड में कर देता हूँ। ये नहीं कि चढ़ नहीं रही जहाँ बिल्कुल ही बैठी हुई है गाड़ी, लेकिन आई कैन नाउ फील कि गाड़ी ज़रा ज़्यादा उसका इंजन उसका गियर बॉक्स जोर ले रहा है चढ़ने में, आप देख सकते हैं, एंड स्पेशली दिस CVT नॉइज। असल में जिन लोगों को CVT गियर बॉक्स से मसला है ना, उन्हें इसकी इस आदत से मसला है कि इसके अंदर गियर्स तो फिजिकल होते नहीं, तो जब आप इसे हाई रेस दो तो इट स्टिक्स टू अ सर्टेन RPM, और फिर पूरा इंजन शोर करना शुरू हो जाता है, एंड CVT की जो अपनी वाइन नॉइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सी अनकंफर्टेबल हमारे लिए होना शुरू हो गई है इसकी जो नॉइज़ है साउंड की कैबिन के अंदर। सो एक और चीज़ जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, मैं अपनी फैमिली को ये कह के लेकर आया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होनी चाहिए, यानी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा भी नहीं तो बर्फ़बारी एटलीस्ट हुई होगी, बर्फ़ नज़र आएगी, लेकिन यकीन माने बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम जुलाई अगस्त में आ रहे हैं सुगत मरी, बिल्कुल वैसा ही माहौल है, कोई दूर दूर तक निशानी नहीं है कि बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हो। सो हैरानी वाली बात है कि दिसंबर का महीना है और मरी में बर्फ़ वाला कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। सो इट वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। अब हम मरी पहुँच के देखते हैं, होटल ढूंढते हैं, और जैसे होटल ढूंढ लेंगे फिर मैं आपको अपडेट दूँ। सो यस, फाइनली हम लोगों ने रूम ले लिया, ज़्यादा हम लोग फिरे नहीं क्योंकि मेरा पहले भी एक्सपीरियंस ये लालाजार होटल का अच्छा रहा था, तो मैं इस दफ़ा भी इधर ही रुका हूँ। सो स्वीट हमने करा ली है, टू रूम्स वाला, और मुनासिब रेट में मिल गया है। तो यार यहाँ पे आके मोस्टली आपने स्टे करना होता, रात रुकना होता, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जितने पैसे बचा सकते हैं आप लोग बचाएं उसमें, और आगे जो फिरना है उसमें आप पैसे लगाएं।
अभी आप देख सकते हैं ये हम लोग वापस लाला जार आ गए हैं होटल खाना खा के। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे माल रोड, थोड़ा माल रोड विजिट करेंगे और फिर अगले दिन जो है हम सुबह नाश्ते के लिए चेकआउट करके यहाँ से तो निकलेंगे पीसी बूरबन के लिए। अब मैंने कहा मैं आपको थोड़ी गाड़ी के स्टैट्स, तो अगर आप गाड़ी का इस वक्त फिगर देखें तो टोटल गाड़ी लास्ट रिफ्यूलिंग के बाद 81.7 किलोमीटर चली है और एक जो सेल है अभी गाड़ी का वो कम हुआ है। सो एक सेल जल्दी कम हो गया था, अराउंड अबाउट 50 किलोमीटर पे ही फर्स्ट सेल कम हो गया था, वो दैट वाज ऑब्वियस क्योंकि गाड़ी जो है वो चढ़ाई पे चढ़ रही थी। सो अब लेकिन जो अब चढ़ाई वाला पॉइंट है वो सिर्फ अयोध्या होगा। कल हमने डिसाइड किया कि पीसी बूरबन के बाद अयोध्या जाना है, वहाँ पर गाड़ी की चढ़ाई होगी और उसके बाद फिर हमारी मोस्ट प्रोबेबली रात तक इस्लामाबाद में वापसी है। तो उसके बाद फिर गाड़ी ने सारी उतराई ही उतरनी है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या फ्यूल अभी देती है वापस इस्लामाबाद पहुँच के। सो सी यू गाइस टुमारो। The next morning. सो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग होटल से निकल पड़े हैं और हमारा एक फैसला बहुत अच्छा हो गया। अभी हम सारे डिस्कस कर रहे थे कि हम सैटरडे की जगह फ्राइडे को जो आ गए हैं मरी और यहाँ पे रात को स्टे कर ली है, तो उसकी वजह से एक तो हमें होटल भी बिना किसी टेंशन के मिल गया था और रश भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ा। इस टाइम जैम पैक्ड है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया, मंडे को भी छुट्टी है, तो लोग सारे जो हैं जहाँ फ्राइडे की रात को निकले हैं जहाँ अभी सैटरडे को सुबह मॉर्निंग पर यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत रश है इस वक्त मरी वाले एरिया में। सो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रश में फंस के तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह और फिर हम लोग वी आर हेडेड राइट नाउ टू पीसी बूरबन और वहाँ से जाके फिर हमें हमारा इरादा ब्रेकफास्ट करने का। सो ब्रेकफास्ट की वैसे जो उनकी टाइमिंग है वो तो ख़त्म हो गई है लेकिन वी विल सी व्हाट वी कैन ईट। सो गाइस वी फाइनली एट पीसी। सो व्यूअर्स, वी आर लिविंग पीसी बूरबन। यहाँ से हमने लंच किया, थोड़ा सा विजिट किया और बचपन की यादें जो हैं काफ़ी मेरी ताज़ा हुई हैं क्योंकि यूजली फैमिली के साथ हम लोग बचपन पे यहाँ पे आया करते थे एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट आवर ट्रिप। बचपन में झूले यहाँ पे बहुत अच्छे लगते थे, स्विमिंग पूल भी होता था, सो काफ़ी मज़ा आता था। सो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है डेस्टिनेशन वो है अयोध्या। हमने डिसाइड किया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी ज़रा विजिट कर लें। वैसे हमने लोकल से पूछा है, बर्फ़ वाला कोई भी सीन नहीं है पूरे इस वक्त मरी वाले एरिया में, इस एरिया में। सो लेकिन देन अगेन हम चाहते हैं थोड़ी सी ठंड भी बर्दाश्त कर लें क्योंकि अभी से कल से और अब तक तो हमें ज़रा भी ठंड फील नहीं हुई इस एरिया में। और मैं आपको बता चलूँ ड्राइवर जो हमारा वो भी चेंज हो गया है, असलान इज़ नाउ ड्राइविंग द कार। और ये मेरे ख्याल से असलान का तीसरा चौथा ही एक्सपीरियंस है इन एरिया पे ड्राइविंग करने का। फिर मैं आपको अगर करंट स्टेटस बताऊं गाड़ी का तो 95 किलोमीटर चल की हुई है और एक सेल ड्रॉप है, दूसरा सेल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 100 किलोमीटर के बाद ड्रॉप हो ही जाएगा। लेकिन अभी अयोध्या से पहले की जो हमारी साइड ड्राइव है ये थोड़ी डाउन हिल ही है ओवरऑल, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है गाड़ी को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, जो अयोध्या की फिर चढ़ाई होगी वहाँ पे थोड़ा गाड़ी का जो इंजन लोड है वो ज़्यादा होगा।
सो असलान थोड़ा व्यूअर्स को बताएं अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अभी तक का। गाड़ी शोर ज़्यादा करती है, चलती कम है। यार इसकी जो नॉइज़ है ना सीवीटी वाली, बहुत अनोइंग है। वाकई आई एग्री। अब क्योंकि सारी चढ़ाई ऊपर है और गाड़ी एस मोड में चल रही है तो गाड़ी ना 3-4 हज़ार RPM के दरमियान सिर्फ शोर कर रही है और कुछ नहीं कर रही। और फर्स्ट जनरेशन CVTs का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो शोर है ना और इनकी जो वाइन साउंड है वो कुछ देर बाद ना बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। ये शहर में तो नहीं होता ऐसा, मोटरवे पे भी ऐसा नहीं होता, लेकिन चढ़ाई के वक्त आप अगर इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा बैठे रहें तो आप काफ़ी इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये कि गाड़ी स्मूथ है, ज़्यादा तंग नहीं कर रही, मतलब चढ़ाई में आपको फील होता है कि यार ये 1300 है और आप फैमिली के साथ हो, ठीक है तो, लेकिन चढ़ी है वो इशू नहीं कर रही। कम्फर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, ब्रेक ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा तो अच्छी गाड़ी है, मतलब फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है, अच्छी है। अगर आपने इंजॉय करना है ना, प्लेयर लेना चाहते हो वो तो नहीं मिल सकता, लेकिन वैसे अच्छी है, वैसे फैमिली के लिए अच्छी, कंफर्टेबल। सबसे इसके जो हाई पॉइंट है ना वो इसका कंफर्ट लेवल है कि अभी तक हम 2 दिन से हम इसमें ट्रैवल किए हमने और हमें एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि यार हम थक गए हैं या वी नीड टू टेक रेस्ट। और इसके बरक्स अगर क्रोला ग्रैंडे होती जहाँ सिविक रीबॉर्न भी होती जहाँ बाकी गाड़ियाँ भी होती तो वो थोड़ा थका देती हैं, इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एक चीज़ है, आगे मैंने ग्रिप में थोड़ा सा ना सिर्फ एक कट में चेक किया है, ग्रिप इसकी अप टू मार्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने बताया है नॉर्मल स्पीड में इशू नहीं करती, लेकिन अगर आप हाई स्पीड में आपको टर्न लेना पड़े तो आपको गाड़ी पूरा झोल देती है, फील होता है कि आपको भाई गाड़ी झूल रही है। बॉडी रोल गाड़ी का है, बॉडी रोल है, बॉडी रोल प्रोमिनेंट है गाड़ी के अंदर। और मैं अब व्यूअर्स एक चीज को सिंपल एक मैं मशवरा दूंगा कि जो भी लोग ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं खरीदने का, डू गो फॉर दिस कार, लेकिन 1000 cc वेरियंट ना लेना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। या तो जो जेन्युइन कंपनी फिटेड 1300 cc वेरिएंट है वो ले लें, जहाँ किसी ने अगर 1300 cc इंजन कन्वर्ट किया और वो अच्छी हालत में है तो गो फॉर इट, ये ना सोचेंगे इसका इंजन चेंज है। वेलकम बैक गाइज टू डे 4 ऑफ आवर वीडियो एंड आवर ट्रिप। और मैंने आपको बताना था कि आज जो हमारा प्लान है बेसिकली मोस्टली हमारा इस्लामाबाद में स्टे और विजिट करने का प्लान था, सो थोड़ा सा हम लोग लेट उठे हैं आज, अपने आप को रिलैक्स किए, फ्रेश हुए हैं और अब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेक व्यू पार्क, वहाँ हम फिरेंगे और उसके बाद हमारा इरादा है आइदर टू गो फॉर दामने को या मुनाल। अब ये वो पॉइंट है जहाँ हमारी बेल्टा की प्रॉपर टेस्टिंग होंगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सो वी विल सी हाउ दिस कार परफॉर्म्स देयर। Thank you.
आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम लेक व्यू पार्क हम लोगों ने डिसाइड किया कि आइदर वी शुड गो फॉर दामने को या मुनाल। फिर हमने मुनाल की तरफ ही डिसाइड किया क्योंकि मुनाल से इस्लामाबाद का व्यू ज़्यादा प्यारा नज़र आता है और मुनाल की जो चढ़ाई थी वो टोयोटा बेल्टा के लिए इतनी मुश्किल नहीं साबित हुई जितनी मैं सोच रहा था। मार्च में जब मैं लास्ट ईयर अपनी प्रियस में आया था तो तब मुझे ज़रा भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई थी, तो मुझे था क्योंकि ये नॉन हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक पावर भी इसके अंदर नहीं है और साथ ही साथ 1300 cc इंजन है, चार लोग के साथ शायद गाड़ी अंडर पावर्ड हो। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर्ड ऐसे नहीं रही। दो तीन बड़े स्टीप जो कट्स हैं मुनाल के बड़े मशहूर जहाँ गाड़ियाँ यूजली फेल हो जाती हैं चढ़ने में, जहाँ लोगों से चढ़ाई नहीं जाती, वहाँ पर भी ये गाड़ी बिल्कुल भी फेल नहीं हुई और ईज़िली चढ़ाई मुनाल की चढ़ गई। सो गाइस 314 किलोमीटर गाड़ी चली है और जिसने देखा है गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है 24.6 लीटर डल है। तो असलान जरा बताएं 314 को करें डिवाइड 24.6 है, कितनी एवरेज निकली गाड़ी 24.6। ओके 12.7 की गाड़ी ने 12.7 के एंड इट वाज ओके क्योंकि चढ़ाई पे सफ़र मेजोरिटी का ज़्यादा था और उतराई पे भी था, लेकिन ओवरऑल गाड़ी को हमने एस और बी मोड में ज़्यादा रखा है जिसकी वजह से जो आई थिंक एवरेज बिल्कुल सही दिया। अगर ये मेरी रीबोन होती तो उसने 10 से ऊपर शायद बिल्कुल भी ना जाती, शायद 10 से नीचे भी आ जाती वो, क्योंकि मैं उसे फर्स्ट सेकंड गियर में पुश करता। तो उस हिसाब से कम्प्लीटली फाइन विद 4 पर्सन और लगेज के साथ गाड़ी ने मरी की पहाड़ियाँ चढ़ी है और 12.7 की ओवरऑल एवरेज दिए। कल मुनाल भी गाड़ी गई आप लोगों को पता ही है, सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ गुड एंड ऑल राइट एवरेज। अब हम लोग वापस जा रहे हैं लाहौर एंड लेट्स सी गाड़ी कितने अपने पॉइंट जो वो ड्रॉप करती है। सो हम फाइनली रात के टाइम लाहौर वापस पहुंच के और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के इस वक्त सिर्फ 3 सेल मौजूद हैं और नेक्स्ट डे जब हमने गाड़ी के टैंक फुल कराया तो अराउंड अबाउट 14.6 की एवरेज दी थी और एवरेज थोड़ी सी कम होने की वजह यही है कि वापसी पे गाड़ी एसी पर चली थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए मैं हूँ आपका उस्मान अगलानी, आप देख रहे हैं पिकड़ी मोटर स्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।